मेडल इवेंट से पहले डोप देने रात भर बैठना पड़ा, अंजू बॉबी जॉर्ज ने बताया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले पदक का संघर्ष। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को पहला मेडल दिलाने वाले अंजू बॉबी जॉर्ज ने बताया कि उन्हें इस मेडल इवेंट से पहले डोप टेस्ट देने के लिए रात भर लैब के सामने बैठना पड़ा था। अंजू ने 2003 में पेरिस में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में 6.70 मीटर की छलांग लगाते हुए भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। 40 साल की अंजू उस मेडल पर बात करते हुए कहती हैं कि मैंने जिस समय वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था तब उतना सपोर्ट नहीं था। इवेंट से पहले मुझे डोप टेस्ट देने के लिए रात भर लैब के बाहर बैठना पड़ा था। अगले दिन मेरी हालत ऐसी नहीं रह गई थी कि मैं कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले पाती। मैं मुश्किल से खेल खेल पाई। उस समय स्पोर्ट्स पावर में हम नहीं थे, सिस्टम में हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। एथलेटिक्स काफ़ी टफ है। हमारे कई इवेंट्स में मेडल के दावेदार हैं जिनसे मेडल की उम्मीद की जा सकती है। जेवलिन की बात करें तो नीरज सहित 4 थ्रोअर मेडल के दावेदार हैं। लॉन्ग जंप में 2 एथलीट हैं जो मेडल की कतार में खड़े हैं। रिले रेस और हाई जंप में भी मेडल की उम्मीद की जा सकती है। रिले टीम वर्ल्ड लेवल पर बेहतर प्रदर्शन कर रही है। एथलेटिक्स के अलावा शूटिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग और बैडमिंटन में ओलंपिक मेडल की उम्मीद की जा सकती है। हाँ, कुछ कोच शामिल होते हैं, वे अपने नाम के लिए एथलीट को डोपिंग के दलदल में फंसा देते हैं। अब हमने जूनियर लेवल से ही डोपिंग के बारे में जागरूकता प्रोग्राम चलाया है। गुजरात में ही हुए इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलीट मीट में ही डोपिंग को लेकर सेमिनार किया गया। कैंप में भी एथलीट को इस बारे में बताया जाता है। एथलेटिक्स डोपिंग को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। ऐसे कोचों की पहचान की जा रही है जो एथलीट को डोपिंग के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें एथलेटिक्स फेडरेशन बैन कर रही है। कोचों में जागरूकता लाने के लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अभी खेलों के डेवलपमेंट को लेकर सरकार, विभिन्न खेल एसोसिएशन और ओलंपिक संघ मिलकर काम कर रहे हैं। न केवल एथलेटिक्स में बल्कि अन्य खेलों में भी काम हो रहा है और बदलाव भी आ रहे हैं। हम 2036 ओलंपिक का टारगेट लेकर चल रहे हैं। उस समय हम खेलों में एक महाशक्ति के रूप में सामने आएंगे। हाँ, मेरे समय में इस तरह की सुविधा नहीं थी। मैं ही अकेली थी जो वर्ल्ड लेवल पर अपना बेस्ट दे रही थी। उस समय हमारे साथ कोच नहीं होते थे, कंपटीशन में अकेले जाना पड़ता था। उस समय कंपटीशन के दौरान कोई हमें किसी तरह का सपोर्ट देने वाला नहीं होता था। अब ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत खिलाड़ियों को हर तरह से सपोर्ट मिल रहा है। हम सिस्टम में भी हैं, ऐसे में हमारे एथलीट के साथ कोई गलत भी नहीं कर सकता है। नीरज लगातार बेहतर कर रहे हैं, इसकी वजह है कि उन्हें हर तरह से सपोर्ट मिल रहा है। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर मुझे भी इस तरह का सपोर्ट मिलता तो मैं ओलंपिक मेडल मिस नहीं करती। शायद इस युग में होती तो मेरे भी ओलंपिक मेडल होते और वर्ल्ड चैंपियनशिप में और मेडल के साथ रंग भी अलग होता। वर्ल्ड लेवल तक पहुँचने के लिए आप में जरूर टैलेंट तो होना ही चाहिए, साथ ही बेहतर कोच का भी मार्गदर्शन जरूरी है। मेरे कोच मेरे पति बॉबी थे जिन्होंने मुझे ट्रेन किया। मैंने कोई प्रतिबंधित दवा नहीं ली, मेरे अंदर नेचुरल टैलेंट था। नीरज सहित जेवलिन थ्रो में कई खिलाड़ी सामने आए हैं जिनके अंदर नेचुरल टैलेंट है। ऐसे टैलेंट आने में समय लगता है। अभी समस्या है कि हमारे पास एकेडमी की कमी है। रिलायंस फाउंडेशन सहित संस्था आगे आकर एथलेटिक्स के लिए एकेडमी चला रही है पर वहाँ भी लिमिटेड सीट है। हाँ, फेडरेशन टैलेंट सर्च प्रोग्राम चला रही है, इसमें आप बच्चों को लेकर आ सकते हैं। वहीं SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी खेलो इंडिया गेम्स के माध्यम से प्रतिभाओं को तलाशने का काम कर रही है।